नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। मैं हूं वर्तिका आपके साथ और अब बुलेटिन से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। आर्मी चीफ विपिन रावत का बयान, कहा पाकिस्तान ने बालकोट में फिर सक्रिय किया आतंकी, अलर्ट मोड में सेना। आईएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने हाउडी मोदी के बहाने पीएम मोदी पर साधा निशाना, ट्वीट पर लिखा भारत में सब अच्छा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही एक्शन मोड पर राजनीति पार्टियां, आम आदमी पार्टी की 8 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की सूची। अब खबरें विस्तार से। खबर गुजरात के अहमदाबाद से, जहां इंदिरा ब्रिज के प्रांगण में 12 करोड़ की लागत से छठ घाट बनाया गया था, जिसका अनावरण गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के हाथों किया गया था। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी के भूतपूर्व सीएम और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल पहुंचे। इस मौके पर ब्यूरोक्रेट्स के उच्च पद के रहने वाले अरुण कुमार शर्मा, एव छठ महापर्व समन्वय समिति के अध्यक्ष के ओझा, एडिशनल डीजीपी और महासचिव सुनील भाई ट्रेजरी समेत सुरेंद्र मिश्रा समेत तमाम गणमान्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन छठ महापर्व समन्वय समिति के बैनर तले किया गया। कार्यक्रम की सबसे बड़ी बात रही कि हर साल की तरह इस बार भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के संदर्भ में आगामी दिनों में सभा करने के साथ ही एक प्रेस वार्ता भी की जाएगी। न्यूयॉर्क में क्लाइमेट चेंज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूर्व विश्व भर से 7 लोगों को नॉमिनेट किया गया है। वहीं बात कर भारत की तो गुजरात के अहमदाबाद की मेयर बिजल पटेल का नाम भी इन 7 लोगों की लिस्ट में शामिल है और ये पूरे अहमदाबाद के लिए गर्व की बात है। वहीं एक महिला के होते हुए भारत का प्रतिनिधित्व करना भी देश के लिए एक सम्माननीय बात है। बहुत खुशी की बात है और मुझे भी बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में से जब 7% को चूज किया गया है और उस 7% में भारत में से और गुजरात में से अहमदाबाद के मेयर को चुना गया है और वहाँ कॉन्फ्रेंस है क्लाइमेट चेंज के बात पर, यहाँ चर्चा होगी और उस चर्चा में मैं भाग लेने जा रही हूँ, तो मुझे भी खुशी है और मेरी तरफ से पूरे शहर को इस खुशी के मौके का जो खुशी हो रही है, उस खुशी के मौके में मैं शामिल होने जा रही हूँ और इस बात को लेकर जो चर्चा होगी उसमें मेरा एक वक्तव्य भी होगा और उस वक्तव्य में मैं अहमदाबाद में हम क्लाइमेट चेंज के लिए पास्ट में क्या कर चुके हैं, आने वाले दिन में हम क्या करने वाले हैं, ये सब बात को वहाँ रजू करने वाली। महंत स्वामी महाराज की 86वीं जयंती पर सभा का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर अटल धारा मंदिर पर संत भागवत प्रकाश स्वामी सभा के मुख्य अतिथि रहे। वहीं महंत स्वामी के जीवन शैली पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। वहीं सभा के समापन पर आरती पूरी करने के बाद महाप्रसाद का आयोजन किया गया। ये बीएस संस्था वर्ल्ड वाइज फैलायेली है। वर्तमान आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य महंत स्वामी महाराज इमनो आवती काले 86मो जन्म जयंती महोत्सव संस्था लेवले तमाम बड़ा केन्द्रों की अंदर ये उजवा से इना प्रतीक उत्सव निमित्ते अत्यारे बीएपीएस मंदिर जंबूसर की अंदर पूज्य भगवत प्रकाश स्वामी आदि बड़े सतों हस्ते अँ आग मोटो उत्सव एनु आयोजन करेलू है। समग्र शहर अँ आग बधु उमटेलू है। अँ आग भोजन समारंभ पर आयोजन करेलू है। महंत स्वामी महाराज एक आध्यात्मिक विभूति है, विश्ववंदनीय संत है। एमना गुणगान, एमना प्रवचनों, नाना बाळकों द्वारा नृत्यांजलि पण अहीं आगळ ए अर्पण करवामां आवशे, तो बधाने भावभीनू अमे आमंत्रण आपीए छीए। ज्यारे पण जंबूसरमां आवो त्यारे बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर जंबूसरनुं अवश्य दर्शन करवा माटे खास पधारो, ए हार्दिक नम्र। खबर यूपी के शाजापुर से, जहां स्वामी चिन्मयानंद के समर्थकों ने उन पे लगे दुष्कर्म के आरोपों को झूठा बताया। साथ ही सैकड़ों की संख्या में पहुंचे समर्थकों ने चिन्मयानंद को न्याय दिलाने की बात कही। आपको बता दें, चिन्मयानंद पर युवती से दुष्कर्म का आरोप लगा है, साथ ही उनका मालिश कराते वीडियो भी सामने आ चुका है। स्वामी चिन्मयानंद के समर्थक का कहना है कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही उन्होंने मामले का खुलासा होने की बात भी कही है। स्वामी जी के साथ में षड्यंत्र हुआ है, कुछ आदतियों ने षड्यंत्र किया है, स्वामी जी के साथ में गलत हुआ है। मैं तो उनकी जो है, जिन लोगों ने जेल भिजवाया है उनकी मैं बहुत निंदा करता हूँ। अगर मालिश कराने के वीडियो में तो स्वामी जी जेल गए हैं, कौन सा कानून है
हमको तो नहीं मालूम कौन सा कानून है, लेकिन अगर कानून बनता है तो लखनऊ आज में मैंने देखा मसाज के सेंटर खुले हुए हैं, सरकार उनसे जो है पैसा ले रही है और टैक्स ले रही है, तो कौन सा कानून है, तो उनको भी बंद कराया जाए, वहाँ मसाज क्यों होती है। यूपी के मैनपुरी में दबंग प्रधान और उसके साथियों द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। दरअसल दबंग प्रधान ने देवी माता मंदिर के नाम पर जमीन पर अवैध कब्जा किया, जिसको छुड़ाने के लिए पीड़ित परिवार अधिकारियों के लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पीड़ित परिवार के मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसके चलते परिवार ने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। सर, हमारी जमीन का मैटर चल रहा है यादवों से, और 12 मई सन 2014 से हम लोग गांव छोड़े हुए हैं, और अब SDM साहब करेल ने हमारी जमीन पे पेड़ पौधे लगवा दिए हैं, जबरदस्ती वृक्षारोपण करा दिया है, ईंटें पड़वा दी। उस मामले में कई बार हम DM साहब के भी चक्कर लगा पाए हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी फ़ोन करवाया है, केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है, लेकिन अभी तक कोई संतुष्टिपूर्ण कार्रवाई नहीं। क्या आपका जो है जमीनी मामला है, क्या न्यायालय में भी चल रहा है? न्यायालय में स्टे भी है, न्यायालय सिविल न्यायालय से हमारा स्टे भी है इस जमीन का जी। और लेकिन अभी तक उसका अवहेलना की गई SDM करेल रतन वर्मा द्वारा। तो क्या पुलिस भी शामिल है इसमें? पुलिस इसमें शामिल है। इस मामले को लेके आई हूँ, जो हमारी 12 मई 2014 को जो दबंग यादवों से हमारी स्टे की जमीन, वो क्या नाम, पट्टे की जमीन को लेकर जो विवाद हुआ था, उसी में जो यादव जात के मनोज सनौ रामेश्वर यादव विटनेस थे हमारे केस में, आज उन्हीं के घर पे रात 11 बजे पुलिस और दबंग यादव प्रधानपति, उसके साथ ही गौरव यादव और मुनीश यादव, अमीश यादव, इन लोगों ने उनके घर रात में दबिश दी जाके। अच्छा। और उनको जान से मारने की। कितने बजे गई थी पुलिस? रात 11 बजे। क्यों? और मनोज से ये कहा कि आप अपने कागज दिखाओ, आके मैं कागज लेके आया हूँ, वो आप अपने कागज ले लो आके। तो वो मनोज घर पे नहीं थे, उनके माँ और उनके पिता निकले, उनके बच्चे थे और बीवी थी उनकी घर पे। तो ये कहा हमें, तो ये लग रहा है कि वो उनको उन पे जानलेवा हमले करने के उससे कोई सोचो समझी साजिश है कि आपको गिरफ्तार करना चाह रही थी पुलिस? हाँ, पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाह रही थी और मुकदमा भी दर्ज करना चाह रही थी उनके ऊपर। खबर यूपी के मैनपुरी से, जहाँ इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। दरअसल एक माँ अपने 3 साल के मासूम बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंची थी, जहां डॉक्टर ने उसे शिशु अस्पताल ले जाने को कहा, जिसके बाद जब पीड़िता बच्चे को लेकर शिशु अस्पताल पहुंची, तब भी डॉक्टरों द्वारा बच्चे को सही इलाज नहीं मिला। वहीं इस मामले पर CMS से बात की गई तो उनका कहना था कि उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए बच्चे को भर्ती करा दिया, लेकिन देखा जाए तो अगर बच्चे के इलाज में थोड़ी भी देरी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? बच्चे को दिखाने। क्या क्या समस्या? क्या बच्चे का मांड का बुखार, सूजन शरीर पे आ रही बहुत ज्यादा सीरियस है। यहाँ से इधर बोल देते वहाँ जाओ, इमरजेंसी बोल देते इधर जाओ, इधर से घुमा रही है। आप यहाँ कब आई थी? आई ऐसे 1 बजे करीब। अच्छा, अब कितना समय हो गया? हो गया अब तो हो रहे हो 5:30 बजे। काफी देरों से घूम रही हो इधर से उधर, कोई नहीं सुन रहा। मतलब आप अभी तो सौ सही है, हॉस्पिटल में है आप, तो यहाँ से उधर से भगा देते हैं, उधर से इधर भगा देते हैं। क्या कह देते हैं डॉक्टर? उधर जाओ उधर भर्ती करेंगे, इधर से बोल देते उधर जाओ उधर भर्ती करेंगे, और बोल देते आप 28 दिन के बच्चे का वो होता है भर्ती, और नहीं 3 साल का बच्चा नहीं होता है। 1 बजे से आई है यहाँ पर, और इमरजेंसी में जा रही है, तो इमरजेंसी में बोला जा रहा है कि इधर आए, और इधर जब आ जाती है तो कहा जाता है इमरजेंसी में जाने के लिए। इनके बच्चे को अभी तक कोई भी देखभाल नहीं मिली। क्या समस्या क्या है इस बच्चे को? इस बच्चे को माइंड का बुखार है, और मतलब सूजन भी है इसको। अच्छा, तो अस्पताल डॉक्टर क्या कह देते हैं? परेशान हो चुकी है बेचारी। जैसे मेरे सम्मान में संज्ञान 2 बजे करीब मेरे संज्ञान में मामला आया। मैडम बाहर मेरे गेट के बाहर बैठी हुई थी, उसने बताया वो पहले इमरजेंसी पुरुष चिकित्सालय के इमरजेंसी में लेके गई थी इस बच्चे को, और बच्चे को ये कह के भेज दिया गया यहाँ पर कि वहाँ जाके दिखाइए। मेरे पेरेंट्स ने इस बच्चे को देखा और इसको दवा लिख दी। उस बच्ची नहीं बैठी हुई थी, उसने कहा मेरे को भर्ती कराना है, तो मैंने अपने पीडियाट्रिशियन को द्वारा दिखवा के भर्ती का इलाज दिखवा के पुरुष चिकित्सालय इसको इमरजेंसी फिर भेजा था, और डॉक्टर आर के सिंह से मेरी फ़ोन पर बात भी हो गई थी इस बच्चे को भर्ती करने।
अभी मेरे को पता लगा कि बच्चा वहाँ से भर्ती नहीं हुआ और उसको यहाँ वापस भेज दिया गया, तो उसको दोबारा भर्ती कराने के लिए भेजा गया, अपना स्टाफ में भेजा गया। अब मैं उसके वहाँ जा रहा हूँ, देख रहा हूँ बच्चे का इलाज शुरू, उसको भर्ती करना चाहिए। और मेरी बात हो गई थी पहले CMS से, उन्होंने कहा था बच्चे को भेज दो, यहाँ भर्ती हो जाएगा। अब दोबारा भी संज्ञान में आया भर्ती नहीं हुआ है, तो मैं उसको भेज दिया है एम्बुलेंस से और मैं स्वयं जाकर देख रहा हूँ उसको बच्चे को भर्ती हुआ है उसको लाइसेंस दिया। यूपी के रामपुर में 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसके लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई है, जिसकी जानकारी जिला अधिकारी आंजने कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी। साथ ही रामपुर के SP ने कहा कि मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को हरियाणा व महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों की घोषणा के साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद यूपी विधानसभा में रिक्त हुई 11 सीटों पर भी उपचुनाव कराने की घोषणा कर दी। उपचुनाव रामपुर सीट पर भी होना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में रामपुर शहर से विधायक रहे मोहम्मद आजम खान जीत गए थे, जिसके बाद वे सांसद बन गए थे। सांसद बनने के बाद आजम खान ने विधायक सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद शहर विधायक की सीट खाली हो गई थी। चुनाव आयोग की ओर से शहर विधानसभा सीट पर 21 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जब 24 अक्टूबर को मनगणना कराई जाएगी। इसके लिए सोमवार में यानी आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, 30 सितंबर तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। रामपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए हमारी तरफ से तैयारी शुरू हो गई है, जिसकी अधिसूचना कल जारी कर दी जाएगी यानी 23 सितंबर को, और अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन के लिए जो अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर है, और इसकी स्क्रूटनी यानी उसकी जांच जितने नामांकन होंगे उनकी 1 अक्टूबर को की जाएगी और 3 अक्टूबर तक नाम वापसी किए जा सकते हैं। मतदान 21 अक्टूबर को होगा तथा इसमें मतगणना 24 अक्टूबर को होगी। जो विधानसभा रामपुर 37 ये तो जो इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं उसके लिए विधानसभा क्षेत्र को 4 जोन और 27 सेक्टर में विभाजित किया गया है। फिलहाल 3 टीमें जो फ्लाइंग स्क्वाड की हैं वो डिप्लॉय की गई हैं, इसी के साथ साथ स्टैटिक सर्विलांस टीम जो है 3 टीमें वो डिप्लॉय की गई हैं। इसके अलावा जो हमारे बॉर्डर्स हैं बॉर्डर्स पे चेकिंग की व्यवस्था रहेगी, और जो कल से नॉमिनेशन स्टार्ट है उसके लिए 4 क्षेत्राधिकारी, 11 थाना प्रभारी, 8 इंस्पेक्टर्स, 29 सब इंस्पेक्टर, 73 हेड कांस्टेबल, 139 कांस्टेबल, 30 महिला कांस्टेबल, 8 ट्रैफिक पुलिसकर्मी और 2 सेक्शन PSC और 2 फायर टेंडर की व्यवस्था नॉमिनेशन के लिए तो की जाएगी। चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद यूं ही जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। जन जन के लाडले और लोकप्रिय विधायक माननीय मनोज जी चौधरी को मनोज चौधरी मित्र मंडल की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के जालौन के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिसी के चलते कमिश्नर और DIG ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया, जहां कमिश्नर कुमुदलता श्रीवास्तव और DIG सुभाष चंद बघेल ने लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। फिलहाल मौके पर ANDRF टीम और डॉक्टर्स की टीम लगातार लोगों की मदद के लिए कार्य कर रही है। खबर यूपी के बदायूं से, जहां दीपावली के पर्व को देखते हुए पुलिस ने और प्रशासन ने पटाखा फैक्ट्रियों और गोदामों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान व्यापारियों में हड़कंप मच गया। HTL लाल बहादुर सिंह और CO SK रेड्डी ने पटाखा गोदामों का निरीक्षण किया, साथ ही व्यापारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। अभी तक तो कोई खामियां नहीं पाई गई, पटाखे की दुकानों का निरीक्षण किया गया, शासन का आदेश भी है और आगामी दीपावली और दशहरा के त्योहारों को देखते हुए एहतियात बरतते हैं हम लोग। खबर यूपी के जालौन से है, जहां सत्ता के नशे में चूर BJP नेता ने टोल पर महिला टोल कर्मी से अपशब्द कहे। BJP नेता प्रदीप सिंह चौहान से जब टोल मांगा गया तो उन्होंने महिला टोल कर्मी के साथ अभद्रता की, और महिला कर्मी ने जब अभद्र व्यवहार करने से रोका तो करीब 45 मिनट तक टोल पर खड़े होकर धमकी देने लगे।
ये पूरी घटना वहां के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं इस मामले में टोल मैनेजर रघुवंश पांडे ने मामले की शिकायत थाने में कर दी। हालांकि इस मामले पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बूथ नंबर 3 पर मैं बैठी हुई थी, तब एक गाड़ी आई यूपी 78 FW 3666। उसने मुझे लोकल का पैसा दिया 40 रुपए। तो मैंने उससे बोला, सर आप अपनी गाड़ी की आरसी दिखा दीजिए। तो बोला, आप तो बहस करने पे आ गई हैं। फिर वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। तो उसके बाद फिर मैंने सुपरवाइजरों को बुलाया, तो सुपरवाइजरों से बोला, तो फिर सुपरवाइजरों से भी उसने बदतमीजी से बात की, उनको भी गाली गलौज किया। उसके फिर 15 मिनट तक तो वो लाइन पे तमाशा करता रहा। उसके बाद फिर 15 मिनट बाद वो ऊपर ऑफिस में आया। ऑफिस में कम से कम उसने 15 मिनट यहाँ पे भी तमाशा किया। उसके बाद फिर पूरे 35 मिनट उसने लाइन पे लाइन जाम करके रखा। उसके बाद फिर बूम तोड़ते हुए वो वहां से भाग गया था। एक्चुअली कर्मचारियों द्वारा अवगत कराया गया कि एक गाड़ी संख्या यूपी 78 FW 3666 जिसने लोकल का पैसा हमारे टोल कर्मचारी को दिया। टोल कर्मचारी ने मना कर दिया कि आपकी गाड़ी का जो पंजीकृत रजिस्ट्रेशन है वो बाहर का है, कानपुर देहात का है, कानपुर नगर का है, तो उन्हें लोकल का कोई छूट नहीं है। और जो हमारा NHI का जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसमें प्राइवेट व्हीकल को लोकल का कोई छूट नहीं है, तो जिसके कारण हम उन्हें लोकल का स्लिप इश्यू नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जब महिला टोल कर्मचारी ने इसके लिए मना किया तो उन्होंने उसके साथ गाली गलौज की, अभद्रता की। इसके बाद टोल कर्मचारी जो दूसरे टोल कर्मचारी थे उनके साथ भी उन्होंने अभद्रता की और गाली गलौज की। खबर रामपुर से है जहां मुस्लिम महिलाएं अपने आशियाने को बचाने के लिए बीजेपी नेता आकाश सक्सेना के आशियाने पर न्याय मांगने पहुंची। आपको बता दें, कुछ दिन पहले भाजपा नेता ने जेल की उस जमीन की शिकायत की थी जहां फंसी घर बना था। वहां आजम खान के परिवार के लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिसमें रामपुर पुलिस ने 37 लोगों के खिलाफ थानागंज में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी को लेकर आज गरीब महिलाएं भाजपा नेता के आवास पर इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची और अपने मकानों को बचाने के लिए भाजपा नेता के आगे गिड़गिड़ाई। वहीं भाजपा नेता सभी को मकान वापस दिलाने का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश के देवास जिले में अतिवृष्टि से फसलों के हुए नुकसान को लेकर पटवारी ने खेतों में जाकर अवलोकन किया। इसके साथ ही फसलों की क्षति को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में क्षतिग्रस्त फसलों का सही सर्वे कराए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। MP के शिवपुरी में टीवी टावर इलाके में मकान में घरेलू सिलेंडर में अचानक आग लग गई, जिसके चलते पूरे मकान में आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल ने बहादुरी दिखाते हुए सिलेंडर को घर से बाहर निकाला और आग बुझाई। गनीमत रही कि दमकल कर्मियों में सूझबूझ से बड़ी जनहानि होने से बच गई। खबर MP के शिवपुरी से है जहां के चोरों ने पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश शर्मा के घर को निशाना बनाया। अज्ञात बदमाश घर की अलमारी में रखे 50 चांदी के सिक्के समेत 12,000 रुपए लेकर फरार हो गए। घटना का खुलासा सुबह हुआ जब परिवार की नींद खुली। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रकाश शर्मा जी अपने गाँव में नौरी में जी, उनके आज रात में चोरी हुई है, सामान अंदर से गिल तोड़ के निकाल के दे रहे हैं जी। इसमें मुकदमा कायम करके तफ्तीश कर रहे हैं, इनके प्रिंट वगैरह उठाने का प्रयास किया, जो साइंटिफिक अनुसंधान हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बेगूसराय में दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना बछवारा थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि युवक घर के बाहर बैठा हुआ था, तभी तेज बारिश के साथ अचानक बिजली गिर गई और बिजली इतनी तेजी से गिरी कि बिजली छत को चीरते हुए युवक पर आ गिरी। हुआ है और अंचलाधिकारी है, पोस्टमार्टम होगा, आगे आपदा प्रबंधन का जो प्रोविजन है जो उसके अनुसार होगा किया जाए। चार लाख का प्रोविजन है। ठनका गिरने से रानी एक पंचायत में एक नौजवान आजा साहब के पुत्र जो अभी मृत घोषित किया गया है बछवारा PHC पर, उसको अभी हमारे डीसीलाल साहब, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी सब आके देखे हैं, मिले हैं, और मृतक के आश्रित उस परिवार को जो सरकार का अभी अनुग्रह राशि है 4 लाख रुपया और पारिवारिक सहायता राशि 20,000 रुपया जो प्रखंड विकास पदाधिकारी देते हैं, उस सब अभी मिलेगा, सब पदाधिकारी से बात हुई है। खबर राजस्थान के रुद्रावल से है जहां पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध रूप से गांजा ले जाते हुए रुद्रावल निवासी कल्लन उर्फ कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 1 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया। आरोपी सप्लाई करने के लिए गांजे को चोरी छुपे ले जा रहा था।
पुलिस ने बताया कि बंशी पहाड़पुर रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति बाइक से आया, रोक कर पूछताछ की गई तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। जांच की गई तो कब्जे से 1 किलो 700 ग्राम गांजा मिला। पुलिस ने रुद्रावल निवासी कल्लन को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी।